खबर शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को NA-95 से बतौर रुकन कौमी असम्बली डी नोटिफाई कर दिया। याद रहे कि तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नाहल करार दिया था और उनकी आबाई नशस्त खाली करार दी थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI चेयरमैन की नशस्त खाली करार दी है और डी नोटिफाइड करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान इंतखाबी अखराजात की तफसील न बताने पर इमरान खान ने 6 नशस्तों पर कामयाबियों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीरे आज़म को NA-45 करम से इलेक्शन लड़ने का अहल करार दिया है। उधर ECP ने 4 हलकों के उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। NA-237 मलीर से पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच, PP-139 शेखपुरा से नून लीग के इफ्तखार बंगवानी, PP-209 खानेवाल से PTI के फैसल नियाजी और PP-241 भावल नगर से PTI के मलिक जफर की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। Oh, oh, oh.